देश की सेवा में लगे हुए हैं तो बहुत खुशी होती है। जो भरा नहीं हो भावों से जिसमें बहती रस धार नहीं, जो भरा नहीं हो भावों से जिसमें बहती रस धार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है दोस्तों। आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, पैलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। तो मैं शिखा रामी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आप देख सकते हैं ब्लॉग की शुरुआत हो रही दिन के टाइम से, अभी दिन के 2 बज रखे हैं और मैं छत पे आई हुई हूँ, और बाकी इतनी अच्छी हवा चल रही है हमारे यहाँ, तो मेरे हाथ में झंडा लहराते हुए देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी हवा चल रही है। बाकी मैं आ रखी हूँ अभी पड़ोसियों के छत में, तो यहाँ से ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। ये दाएं बाएं सब जगह का व्यू मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाकी घर घर में झंडे लहरा रहे हैं आज नाए। इसकी सेवा अनेक स्तर पर की जाती है, चाहे वो सैनिक हो, टीचर हो, कुछ भी हो। तो जहाँ भी इंसान को देश की सेवा करने का मौका मिले तो बढ़ चढ़ कर सेवा करनी चाहिए। तो बाकी सैनिक जो फौजी लोग होते हैं वो लोग तो जान हथेली में रख कर 24 घंटे हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। ग्रीन कलर का सूट और झंडे के कलर का दुपट्टा और बैच और ये ब्रेसलेट झंडे के कलर के लगा के ब्लॉग बना रही हूँ। तो दोस्तों आप समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो ख़ास करके जो फौजी भाई लोग हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर जो देश की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, तो उनको सबसे पहले मेरा सल्यूट है। तो एक फौजी की वाइफ यानी कि फौजन होना भी बहुत गर्व की बात होती है, तो मेरे लिए भी यह बहुत ही गर्व की बात है कि मैं भी एक फौजी की फौजन हूँ। तो मेरे पति भी फौज में हैं और दिन रात सरहद पर देश की सेवा में लगे हुए हैं, तो बहुत खुशी होती है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि एक हफ्ते तक बात नहीं हो पाती है, तो उस टाइम बहुत बुरा भी लगता है कि एक हफ्ते बात नहीं हो पा रही है। और दूसरा साइड देखें तो बहुत खुशी होती है कि हमारे पतिदेव जो हैं देश की सेवा पे लगे हुए हैं, फौजी और फौजन, फौजी की वाइफ जो होती है, तो जो फील करते हैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी आज, क्योंकि मैं भी एक फौजी की वाइफ हूँ। तो जो चीज़ें हमें लगती हैं तो वो चीज़ शेयर करूँगी आज मैं आप लोगों के साथ। तो फौजी की फौजन कहलाना बहुत गर्व की बात है और बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मेरे हस्बैंड फौज में है और मैं फौजी की वाइफ हूँ। तो ये सुनने में इतनी खुशी महसूस होती है कि मैं वो चीज़ आप लोगों को एक वर्ड में नहीं बता पाऊँगी। और जितना साहस एक फौजी रखता है या रखना पड़ता है, उससे काफ़ी ज़्यादा साहस एक फौजी की वाइफ को रखना पड़ता है, क्योंकि छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कुछ भी काम हो तो घर की जिम्मेदारी, बच्चे तो खुद हैंडल करना पड़ता है, कहीं जाना हो तो। ये चीज़ें अन्य जॉबों में जो होता है, ऑफिस, टीचिंग, जो भी होता है, तो वो लोग क्या होते हैं, हमेशा फैमिली के साथ रहते हैं, सुबह जाके शाम को आना घर पे, तो कोई भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो तो दोनों मिल बांट के कर लेते हैं। बट फौजनों के साथ क्या होता है, छुट्टी जब सबसे जल्दी मिल गई तो 4 महीने, और
दस महीने, चार से दस महीने आप लगा सकते हैं। जिस बात जल्दी आ गए कहेंगे तो उस बार इतना होता है कि चार महीने में आ गए तो हमें लगता है कि जल्दी मिल गई छुट्टी। अदरवाइज चार से पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, दस तक भी जाता है कभी कभी। तो कुछ भी काम हो तो हम लोगों को खुद हैंडल करना पड़ता है अकेले। तो बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारी होती है जिसमें हमें लगता है कि अभी साथ में होते तो जल्दी हो जाता है। सुबह से शाम तक के कामों में हम 10 बार बोलते हैं अभी बच्चों से, पापा जी होते जल्दी हो जाता। तो कई काम ऐसे होते हैं जो बिना हस्बैंड के होते भी नहीं है, तो उन कामों के लिए तो रुकना ही पड़ता है, आठ से दस महीने हो या छः महीने हो। बाकी जो नॉर्मल काम होते हैं तो हम लोगों को निभाने पड़ते हैं वो चीज़। तो घाटा भी एक साइड से देखा जाए तो जितना घाटा नहीं है उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे लगता है। जो एक फीलिंग ही जो होती है ना फौजी की फौजन हो तो गजब है यार। तो सभी फौजनों को भी मेरा सल्यूट है। एक चीज़ दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए अपना। तो मेरे 15,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए कंप्लीट, तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया एंड धन्यवाद। अभी भी लगी हुई हूँ ब्लॉग बनाने में, तो आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोग देखते तो है वीडियो बट लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो नीचे पे एक लाइक वाला बटन होता है उसको भी दबा दीजिए। लाइक करने में संकोच किस बात का जब देख लिया। तो बाकी आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें ताकि मैं 15,000 से 15 लाख में पहुँच पाऊँ। तो बाकी एक दो शॉर्ट्स भी देख लीजिए, जो आप लोग ब्लॉग देखते हैं प्लीज़ आप लोग शॉर्ट्स भी देखिए। शॉर्ट्स मेरे जो होते हैं काफ़ी फनी होते हैं, क्योंकि हंसना और हंसाना मुझे बहुत ही सबसे बेस्ट चीज़ जो लाइफ की लगती है वो हंसना। और कोई मेरे इंसान हूँ, बोले इंसान। पाँच बज चुके हैं शाम के और हम लोग छत पे बैठे और छत में चाय पकौड़े खा के अभी नीचे आए हैं। तो नीचे आते ही बच्चों की इस टाइप से मस्ती चल रही है चारों की, और फिर से मैंने अंदर आके और प्रिंसी ने चाय बनाई गुड़ वाली, तो मैंने चाय पी लिए हैं। केतन एक गाना सुनाओ बेटा, आज रिपब्लिक डे है क्या? हैप्पी रिपब्लिक डे बोलो तो। हाँ तो एक गाना सुना दो बेटा, ओ देश मेरे, ओ देश मेरे। एक दम है क्या, एक दूर के बल्के, एक दूर के लाचन, तू हवा चिलंगा, आ है मेला चल गबरंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू, बोलो जय हिंद, बोलो जय हिंद। तो मैं थे केतन, केतन ने आप लोगों को एक अच्छा गाना भी सुना लिया है। तो बाकी रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में बच्चों खूब सारी मस्ती चल रही है। तो आज का ब्लॉग सिर्फ आप लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए और आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, 15K के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू कहने के लिए और रिपब्लिक डे का बधाई एंड शुभकामनाएं देने के लिए तभी ब्लॉग बनाया था। तो बाकी आज के ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर, और चैनल पर इतना ही रहते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ।